Welcome friends, the question is which interchange of sign will make the equation correct. ये जो equation है ये अभी correct नहीं है, तो इसको correct करने के लिए मतलब LHS और RHS दोनों बराबर हो इसके लिए इस equation के कौन से sign को interchange करना पड़ेगा, मतलब बदलना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमें पता लगाना है ताकि ये equation correct हो जाए. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स. फर्स्टली जो इक्वेशन दिया गया है वो इस तरह से है. ठीक है, LHS ये है और RHS है 30. तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये इक्वेशन गलत है या सही है. 16 माइनस 4 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 इक्वल 12 इंटू ये 6 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 3 प्लस 8 12 थ्री या 36 प्लस 8 इक्वल्स 44. और RHS क्या है हमारा दिया हुआ है 30. तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो ऑप्शन वन में दिया गया है डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का साइन, यानी डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के साइन को इंटरचेंज करके देखेंगे. तो पहले जो इक्वेशन था वो इस तरह से था. अब हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के साइन की जगह डिवीज़न का साइन यूज़ करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे. अब इसको सॉल्व करते हैं. 12 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 प्लस 8. 12 डिवाइडेड बाई 6 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 8. 2 इंटू 2 4 प्लस 8 इक्वल्स 12 और RHS है 30. तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो ऑप्शन वन इनकरेक्ट हो जाएगा. अब ऑप्शन टू देखते हैं. ऑप्शन टू में सब्ट्रैक्शन का साइन डिवीज़न से और डिवीज़न का साइन सब्ट्रैक्शन से इंटरचेंज करना है. तो हम सब्ट्रैक्शन के साइन को डिवीज़न और डिवीज़न के साइन को सब्ट्रैक्शन में बदल देते हैं. अब इसको सॉल्व करते हैं. 16 डिवाइडेड बाय 4 4 इंटू 6 माइनस 2 प्लस 8 4 6 या 24 माइनस 2 प्लस 8 24 और 8 को ऐड कीजिए 32 माइनस 2 इक्वल्स 30 और RHS है हमारा 30, इसलिए LHS इक्वल्स RHS. तो ऑप्शन टू सही हुआ. इसका मतलब है कि अगर हम लोग इस इक्वेशन में डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के साइन को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दें तो ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा. आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.